Idea number 10, econometrics, a practical approach. Today I am going to discuss regression when x is binary, या x जो है indicator variable है, या x जो है वो आप उसको dummy variable कह देते हैं। तो अगर आप channel पे जब जाते हैं तो playlist में अगर आप देखेंगे तो वहां पे econometrics, a practical approach में ये videos order में available होंगी। तो इससे पहले तक हम बात कर रहे थे कि x जो है ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर x जो है ये आपका डमी वेरिएबल हो, मींस x की वैल्यू सिर्फ दो हो सकती है, 1 या 0, तो स्मॉल क्लास साइज होगा तो हमने 1 कह दिया, लार्ज क्लास साइज होगा तो 0 कह दिया, मेल है तो 1 कह दिया, फीमेल है तो 0 कह दिया, और वाइस वर्सा। अगर आपने उसको ड्रग दी है तो आपने 1 कह दिया, नहीं दी तो, अगर आपने उसको इनकम सपोर्ट दी है तो 1 कह दिया, अदरवाइज आपने उसको 0 कह दिया। तो ये एक्स जो है ये बाइनरी, डमी, इंडिकेटर, इस तरह के नेम्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल में स्लोप होता है कि 1 यूनिट चेंज करने से वाई में कितने यूनिट चेंज आती है, तो अब ये आपके पास एक जंप वेरिएबल आएगा, तो इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन स्लोप की तरह की नहीं होगी। मैकेनिक्स एग्जैक्टली इसकी वही है जो हमारी कंटिन्यूस वेरिएबल ऑफ एक्स के केस में होती है। तो आप देखिए, तो आपके पास जो है एक्स यहां पे एक बाइनरी वेरिएबल है जो कि 0 है या 1 है। तो आपके पास ये 0 या 1 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स 0 हुआ तो आपके पास वाई आई सिर्फ बेटा नॉट के इक्वल होगा, अगर एक्स 1 हुआ तो वाई आई क्या हो जाएगा, बेटा नॉट प्लस बेटा 1 आ जाएगा। तो गैप कितना आ गया, बेटा 1 किसके इक्वल है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसको इसमें से ये बेटा नॉट वाली माइनस करेंगे तो बेटा 1 आपके पास ये आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये डिफरेंस है इन टू ग्रुप्स, स्मॉल क्लास साइज के टेस्ट स्कोर वर्सेज लार्ज क्लास साइज, या मेल लर्निंग वर्सेज फीमेल लर्निंग। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन की बात है, अगर आप सैंपल डेटा से लेंगे तो इनके ऊपर हेड्स आ जाएंगे, तो बेटा 1 हेड जो है ये सैंपल डिफरेंस हो जाएगा इन ग्रुप मींस। तो लुक हियर कि आपके पास यहां पे आपने लिखा 650 प्लस 7.4, ये आपके पास रिजल्ट आए रिग्रेशन एस्टिमेशन से। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑन एवरेज जो आपके पास लार्ज क्लास साइज, स्मॉल क्लास साइज है, उसका टेस्ट स्कोर जो है 7.4 मोर है देन लार्ज क्लास साइज। यहां मैं एक छोटी सी और बात कर दूं कि अगर आप इसको 0 कह देते और इसको 1 कह देते तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना था, ये साइन आपका नेगेटिव आ जाता, ये जो साइन है ये नेगेटिव आ जाता। हम ये कहते कि आपके पास, और अगर चूंकि आप ये 1 है तो आपके पास, इसका मतलब ये होता कि ऑन एवरेज जो लार्ज क्लास साइज है उसका 7.4 स्कोर लेस है देन स्मॉल क्लास साइज। इस केस में हम कह रहे हैं कि अगर क्लास साइज स्मॉल है तो 7.4 टेस्ट स्कोर ज्यादा है देन लार्ज क्लास साइज, एग्जैक्टली वही बात। और इसने 657.4 हो जाना था, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आपने 0 या 1 किसको किया, उसी लिहाज से स्लाइड से इनके साइंस और इंटरसेप्ट की मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा। यही काम अगर आप वीडियो 2-3 देखें तो वहां पे मैंने जब वर्कशॉप में आपको शो किया तो वहां पे देखिए 657 और 650, अगर आप दो ग्रुप्स का सिर्फ मीन ले लें, स्मॉल क्लास साइज का टेस्ट स्कोर का मीन वर्सेस लार्ज क्लास साइज का टेस्ट मीन, तो वो एग्जैक्टली यही चीज आ गई थी जो 7.4 था डिफरेंस बिटवीन स्मॉल क्लास साइज एंड लार्ज क्लास साइज। अगर सैंपल स्टैंड, अगर सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं तो आप पूल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लेंगे, अगर वो डिफरेंट से यूज करते हैं तो आप वो जो है आपका स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोस्कडास्टिसिटी एंड होमोस्कडास्टिसिटी, जिसको मैं वीडियो नंबर 11 में आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपके पास सिंपली एक्स अगर बाइनरी वेरिएबल है तो बेसिकली उसकी मीनिंग क्या है, उसका 0 या 1 या 1 या 0, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और इन अ वे इट्स जस्ट जो है ना वो टू मीन्स का कंपैरिजन है। तो ये आपके पास एक्स अगर बाइनरी वेरिएबल है, तो लुक हियर, ये आपके पास जो है बेटा नॉट जो है ये मीन ऑफ वाई है व्हेन एक्स 0, बेटा नॉट प्लस मीन ऑफ वाई। तो यहां पे सिर्फ मीन की बात होगी, यहां पे उस तरह से स्लोप की इंटरप्रिटेशन नहीं है, बाकी एज इट इज सारी मैकेनिक्स, हर चीज
वैसी की वैसी है जैसे हम पहले करते रहे हैं। वीडियो नंबर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि होमोस्कडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स, हेट्रोस्कडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स, इसका फर्क क्या होता है, हेट्रोस्कडास्टिसिटी क्यों जरूरी है, और उससे अगली वीडियो में मैं बात करूंगा गॉस मार्कोव थ्योरम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्यों नहीं होती, वेट टिल वीडियो नंबर 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।